इंडिया न्यूज आपके साथ, मैं हूँ शुभ्रा सुमन। आज विजयादशमी है। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को बिहार की जमीन से विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी में पूरे हिंदुस्तान में रावण को जलाने की परंपरा है, लेकिन इस बार पूरा हिंदुस्तान बिहार के को लेकर बात कर रहा है और बिहार में बदहाली का रावण कितना जला है यही पता करने की कोशिश इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर उतर कर कर रही है। मैं और मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर आपको लोगों की बातें बता रहे हैं, विकास कितना हुआ है इसकी भी सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही हुक्मरानों की बात, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है तस्वीर को बदलने की, उनकी बात भी, उनकी मंशा भी, उनकी नियत भी, उनके दावे और वादे भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए आज अगले एक घंटे तक आपके सामने हम हजारों किलोमीटर की यात्रा की कुछ झलकियां रखेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने और मेरे सहयोगी राकेश ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। 1000 किलोमीटर का सफर ये कैसा रहा, क्या क्या हमने देखा, कहां कहां लोगों से बात की, लोगों के मन में क्या है, बिहार के दिल में क्या है, और सबसे बड़ा सवाल जो बहुत सुन रहे हैं आप आजकल, बिहार में काबा, इसका भी जवाब आपको देंगे। सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की करेंगे, जहां पर मैं मौजूद हूं, और मुजफ्फरपुर में हमने कपड़ा कारोबारियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। उनका कहना है कि अभी भी कानून व्यवस्था की जो तस्वीर है वो सुधरी नहीं है, रंगदारी का सामना करना पड़ता है, नीतीश कुमार के वादे फेल है, सुशासन की सरकार कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या कहा कपड़ा कारोबारियों ने, सुनिए इस रिपोर्ट में। ये मार्केट बहुत खास है क्योंकि मुजफ्फरपुर का नाम जब भी आता है तो इसे बिहार के औद्योगिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है, और सूतापट्टी वो मार्केट है जो कपड़ा कारोबार के लिए पूरे देश में जाना जाता है। एक बार आप इस मार्केट की तस्वीरें देखिए और जो सड़कों की स्थिति है वो देखिए, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, साथ ही यहाँ से कपड़े की सप्लाई भी होती है। स्मार्ट सिटी बनाने का सपना मुजफ्फरपुर के लोगों को दिखाया गया, लेकिन यहाँ तक कि सूतापट्टी के इलाके में भी जो हाल है ये आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सूतापट्टी का इलाका एकमात्र ऐसा इलाका है पूरे देश का जहां पर कोई उत्पादन नहीं होता, लेकिन कपड़े के ट्रेड के लिए ये जाना जाता है। यहां से दूर दूर तक देश के अलग अलग इलाकों में कपड़े की सप्लाई होती है, और यहां पर आता है जो कपड़ा वो भी बहुत अलग अलग जगहों से आता है। वैरायटी यहाँ पर काफ़ी है, हजारों परिवार हैं, हजारों कारोबारी हैं जिनका पूरा जो काम है इसी कारोबार पर टिका हुआ है और उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। इसके साथ ही न सिर्फ कारोबारियों के लिए बल्कि मजदूरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा इलाका है, क्योंकि बिहार के आसपास के इलाकों से आए हुए 15,000 से भी ज़्यादा मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सूतापट्टी के इलाके को, मुजफ्फरपुर को और कपड़े के इस कारोबार को क्या मिला, और इसीलिए हम एक दुकान में एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर जो कारोबारी हैं उनसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पिछले कुछ वक्त से कितने हालात सुधरे हैं। आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा इस कारोबार के बारे में, सबसे पहले इस कारोबार के बारे में बताइएगा कि आखिर इतना बड़ा ये मार्केट है, हजारों दुकानें हैं, 100 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर आप बता रहे हैं एक महीने का, कहां कहां से कपड़ा आता है, कहां कहां सप्लाई है? यहां कपड़ा आपको सारे हिंदुस्तान से आता है, बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, बनारस, कलकत्ता और भी बहुत सारे जहां प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहां सारे जगहों से कपड़ा आता है, और जहां जाने की बात है तो थ्रू आउट नॉर्थ बिहार, कभी कभी ऐसा होता है कि यूपी के भी कसम पार्ट्स में हमारा कपड़ा जाता है। एक बार ये जरा दुकान में दिखाइए कि किस तरीके से अलग अलग तरह के कपड़े यहाँ पर अवेलेबल हैं, और पूरे मार्केट में इस तरह के हजारों दुकानें हैं, किस किस टाइप के कपड़े यहाँ पर आते हैं? यहाँ सभी तरह के कपड़े आते हैं, हिंदुस्तान की कोई मंडी ऐसी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं है जिसका कपड़ा इस मंडी में ना आता हो। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, होलसेल कंज्यूमर मार्केट, पूरे नॉर्थ बिहार और एटलीस्ट पूरे बिहार, यूपी, बंगाल, नेपाल, सब जगह कपड़ा यहाँ से सप्लाई होता है। ये मतलब किस किस तरह का, हर तरह का कपड़ा, हर तरह का हिंदुस्तान में, जो चादर, बेडशीट, साड़ी, फर्निशिंग, साड़ी, सलवार सूट, शर्टिंग, सूटिंग,
पंडाल के कपड़े, मतलब दुनिया में जितने कपड़े बनते हैं सब इस मंडी में होलसेल में अवेलेबल हैं। अच्छा, मजदूर भी बड़ी संख्या में लगे हुए हैं इसमें, कितनी बड़ी संख्या में होंगे, कहाँ कहाँ से आते होंगे यहाँ पर? यहाँ दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, बोचहां, पटियासा, ये सब जगह से आते। कितना मजदूर लगे हुए होंगे पूरे कारोबार? लाखों से ऊपर लगे हुए। तो अभी आप बताइए जरा कि हम लोग चूंकि चुनाव कवरेज के लिए निकले हैं तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों को किस तरह की दिक्कत आ रही है। और सबसे पहली शर्त होती है किसी कारोबार के फलने फूलने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सही रहे, और इसको लेकर के नीतीश कुमार के कई दावे हैं। नीतीश कुमार का ये कहना है पहले जंगल राज की सरकार थी, मोदी जी भी यही कह रहे हैं, अब जो है बहुत सुधार हुआ है उसमें और अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये महसूस होता है कि पहले से सुधार हुआ है, पहले से जैसे बिहार में तो ये बहुत प्रचलित है ना कि रंगदारी मांगने पहुंच जाते हैं, अभी होता है ऐसा कि कम हो गया है पहले से? देखिए, बंद तो नहीं हुआ है, पहले से बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बंद नहीं हुआ है कि हम लोग एकदम निर्भय होकर काम करें। अच्छा, आप बताइए। वही है जो बोले हैं, वही बात है यहीं पर भी। रंगदारी मांगने आता है अभी भी? रात के 12 बजे जब बजे तक दुकान खुली रहेगी कोई ना कोई आ जाता है। तो यहाँ भी अभी भी इस तरह की समस्या बनी हुई है? जरूरत से ज्यादा बनी हुई है। बिजनेसमैन खुलकर नाम नहीं बोलते हैं, इतने डरे हुए हैं। रंगदारी जो पहले होती थी उससे ज्यादा हो रही है। नीतीश सरकार में बिजनेसमैन इतने डरे हुए हैं जो पहले नहीं डरे हुए थे। भरोसा कुछ टूटा है, कुछ डगमगाया है, लेकिन वो रिजल्ट्स में जब वोट पड़ेंगे उसमें कितना उसका इफेक्ट होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो जमीनी हकीकत है सूता पट्टी की वो हमने आपको आज दिखाया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। सरकारें सपनों की सौदागर होती हैं और सपने खूब दिखाती हैं। बिहार की जनता ने भी खूब सपने देखे, उसमें से एक सपना है स्मार्ट सिटी का सपना। मुजफ्फरपुर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां के लोगों ने भी स्मार्ट सिटी का सपना देखा, खूब देखा, कई साल से देखा। लेकिन यहां की सड़कों पर घूमते हुए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को टटोलते हुए, यहां की सुविधाओं की असलियत जानते हुए हमें ये मालूम चला कि लोगों के दिलों में दर्द है। दर्द इस बात का कि अभी तक स्मार्ट सिटी के नाम पर मुजफ्फरपुर को कुछ नहीं मिला। साल दर साल फंड जरूर आते हैं लेकिन उस फंड का होता क्या है ये किसी को नहीं मालूम। उस फंड से आम लोगों की बेहतरी के लिए और शहर के सुधार के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। आम लोगों की जुबानी सीधे आपको मुजफ्फरपुर का दर्द दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ढूंढते मुजफ्फरपुर की सड़कों पर हम टहल रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं सरैयागंज टावर चौक पर। हम आपको दिखाते हैं, ये मुजफ्फरपुर की धरोहर है, ये सरैयागंज टावर चौक है जो कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। गांधी जी की प्रतिमा आपको बीच में दिख जाएगी और इसके साथ ही ये जो घड़ी आप देख रहे हैं ये अभी तक चल रही है, ये अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई जगह है। ये घड़ी आप देखिए, 2 बजने में कुछ समय बाकी है और यही अभी का वक्त है। लेकिन मुजफ्फरपुर के लोगों का कहना है कि वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, कि आखिर जो सपने दिखाए जाते हैं उसकी हकीकत क्या होती है, क्योंकि चुनाव में फिर से एक बार आपसे बड़े बड़े वादे कर दिए जाएंगे लेकिन उन वादों की जमीनी हकीकत क्या है वो हम आपको इंडिया न्यूज पर लगातार इलेक्शन कवरेज में दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आप यहाँ पर कारोबार करते हैं, क्या नाम है? कृष्ण कुमार रोलिया नाम है, मैं एक व्यवसायी हूँ। अच्छा, आप बता रहे थे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ से वहाँ तक का जो इलाका है, यहाँ एक पुल बनने वाला था, पुल का बार बार जिक्र आ रहा है, आप कह रहे हैं कि उस पुल के बनने से अगर वो बनता है तो आम लोगों की दिक्कतें सिर्फ बढ़ेगी, लेकिन उसका भी अभी नामो निशान नहीं है, ऐसा क्यों? उसका भी नामो निशान नहीं है, 2017 में स्मार्ट सिटी घोषित हुआ। हाँ। तो हम लोगों को लगा कि अब हम लोग भी दिल्ली बम्बई के जैसे यहाँ रहेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ की जो प्लानिंग है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इस एरिया में आधे किलोमीटर में 5,000 से ज़्यादा दुकानें हैं और एकदम घना एरिया है। इस एरिया में अगर पुल बनाया जाता सबसे पहले 3 साल तो पुल बनने में लगेंगे, तो कारोबार जो है वो खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, आप भी यही इसी इलाके में रहते हैं, आपका क्या नाम है? स्मार्ट सिटी को लेकर के अभी तक कुछ काम हुआ है क्या? आपको लगता है कि वादा पूरा होगा? जी, मेरा नाम अरिंजय है। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के लिए एक सपना ही रह गया है। ये सपना कब तक साकार होगा, मुजफ्फरपुर वासियों को इसका कोई अंदेशा नहीं है। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनना था, मुजफ्फरपुर में एम्स बनना था, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट बगल के शहर दरभंगा चला गया। बट शहर के जनप्रतिनिधि के
जो वो एक्टिव नहीं हो पाए समय पे, इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति अगर है भी तो क्रिया शक्ति नहीं है। आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि हो जाने से, चुन जाने मात्र से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? हमारे पास साथ इस इलाके के वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल जी हैं, हम जरा उनसे समझते हैं, क्योंकि ऑफ द कैमरा उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की है। क्या क्या बताएंगे आप? कहा जा रहा है कि फंड तो करोड़ों आ रहा है, RTI के माध्यम से ये खुलासा भी हो गया है, लेकिन काम क्यों नहीं जमीन पर हो रहा है? कहाँ फंसा रह जा रहा है काम? किसी भी जन प्रतिनिधि के अंदर अगर इच्छा शक्ति नहीं है मैम, तो वहाँ पे चाहे वो गांव हो या शहर हो या राज्य हो, वहाँ विकास नहीं हो सकता है। किसके अंदर नहीं इच्छा शक्ति? मुजफ्फरपुर की विडम्बना है कि पिछले 25 सालों से जो भी जन प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो जन प्रतिनिधि अपने आप को बनाने का काम करते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं इस शहर की। सपने में जी रही है मुजफ्फरपुर की जनता, लेकिन वो सपने जमीन पर साकार नहीं हो रहे हैं। और आप देखिए, ये कहा जा रहा है कि रसगुल्ला बांटने की बात हो रही है, लेकिन रसगुल्ले में मिठास कितनी है ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को, और वो मिठास ढूंढने में कई कई साल गुजर जाते हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। तो सुना आपने मुजफ्फरपुर की जनता क्या कह रही है, लेकिन अब हुक्मरान क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी विकास की है, जिन्होंने सपने तो दिखा दिए पर आम लोगों की आवाज शायद उन तक नहीं पहुंचती है, और उन्हीं तक आम लोगों की आवाज पहुंचाने का काम इंडिया न्यूज लगातार कर रहा है। नगर विकास मंत्री है बिहार के सुरेश शर्मा, उनसे भी हमने बात की और ये तमाम सवाल पूछे जो आप लोगों के सरोकार से जुड़े हुए हैं, बिहार के वासियों के सरोकार से जुड़े हुए हैं। क्या कहा सुरेश शर्मा जी ने, देखिए। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी, आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सुरेश शर्मा जी, पहला सवाल मेरा यही है कि न सिर्फ मुजफ्फरपुर की बल्कि पूरे बिहार में विकास की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री, लेकिन आप जब लोगों से मुखातिब होते हैं आप कहते हैं एक मौका और मिल जाए तो कायाकल्प हम कर देंगे मुजफ्फरपुर का। सुशील कुमार मोदी भी ये कह रहे हैं कि एक मौका और मिल जाए तो हम तस्वीर बदल देंगे, रोजगार दे देंगे। 10 साल में या 15 साल में ऐसा क्यों नहीं हो पाया जो अब आपको ये कहने का की जरूरत पड़ती है? देखिए, कोई भी काम का प्लानिंग पहले होता है और दूसरी चीज उसका फिर धन का व्यवस्था करना पड़ता है। उसके प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में समय लगता है और तब उसका एक्सक्यूशन होता है। तो काम बहुत सारा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसकी तैयारी हम लोग ने कर ली है। मुजफ्फरपुर की बात कीजिए तो मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर था जो अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं लोग कहते थे, गंदा भी था, परेशानी भी थी, सड़कें नहीं थी, ये सब हमारे पहले का ये सब। जब मैं विधायक बना पहली बार तो यहाँ सड़कों पर धान रोप करके लोगों ने प्रदर्शन किया, और जब हम हुए तो आज वो सड़क लोग कह रहा है कि इतना सुंदर सड़क बना। सड़क की आप बात कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का मुजफ्फरपुर को सरकार ने भी सपना देखा, यहाँ के लोगों का भी सपना है। अब धन के इंतजाम की बात कर रहे हैं तो एक आरोप ये भी लगता है स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन मुजफ्फरपुर की तस्वीर नहीं बदली, और इसी मसले पर विपक्ष आपका इस्तीफा भी मांग चुका है, कार्रवाई की मांग कर चुका है। आपको लगता है कि इस चुनाव में उसका असर पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं जंगल राज, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, फिर इस तरह का मसला? कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमने जो आप कह रहे हैं कि करोड़ों का खर्चा किया, हमने स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर बनाने के लिए मात्र अभी तक मेरे पास उसकी किताब है, उसकी रिपोर्ट है, 112 करोड़ रुपया मात्र लिया गया था, जिसमें इसका DPR जो इसके प्रोजेक्ट थे, DPR बनाने के लिए और इसके सैलरीज देने के लिए
और इसके एडवर्टाइज करके इसमें एसपी भी बहाल करने के लिए ये इसी पर खर्चा हुआ है। कितनी चुनौती है इस बार विपक्ष की ओर से, महागठबंधन बड़ी बड़ी रैलियां तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है, एनडीए अपने कामों के बदौलत भारी बहुमत से आ रही है। गरीब का बेटा जो चाय बेचकर क्या है, वो गरीबों को बढ़ाने की बात कर रहा है और गरीब खुशहाल है, इसलिए बिहार के अंदर हवा चल रही है कि एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो ये थे सुरेश शर्मा जी जो कह रहे हैं कि बिहार के अंदर हवा चल रही है, एनडीए की सरकार बनाने के लिए लोग वोट करेंगे। देखना होगा कि लोगों का रुझान क्या है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, इसकी आवाज सुनाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रवाद का मसला भी बार बार बीजेपी की बातचीत में सामने आता है। जनता क्या फैसला करती है देखना होगा, लेकिन फिलहाल कांटे की टक्कर है। बिहार की जमीन क्रांति की जमीन है, बिहार की जमीन क्रांतिकारियों की, महापुरुषों की जमीन है, और ऐसे ही एक क्रांतिकारी महापुरुष हैं वीर कुंवर सिंह। हम पहुंचे वीर कुंवर सिंह की जमीन जगदीशपुर पर, और वहां पर हमें एक दलितों की बस्ती मिली जिसे कभी वीर कुंवर सिंह ने बसाया था। लेकिन क्या हाल है उन दलितों का, क्या सुविधाएं वहां पर उनको मिल रही हैं, और कैसे अभी भी वो बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। है कि बिहार की धरती बदलाव की धरती है, क्रांति की धरती है। जानते हैं बिहार की धरती महात्मा गांधी के आंदोलन की धरती है, जयप्रकाश नारायण के टोटल रिवॉल्यूशन की धरती है। बिहार की धरती वो है जहां से सामाजिक चेतना की शुरुआत होती है और पूरे देश में यहां वहां फैल जाती है और एक बदलाव आता है जिसको तलाशते हुए कई लोग वापस बिहार आते हैं। हम भी आए, हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार में किस तरह का बदलाव हुआ है, क्योंकि यहां से कई आंदोलन शुरू हुए। जातिगत अव्यवस्था जो है, जातिगत भेदभाव जो है, उसको दूर करने की कोशिश की गई। ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ग भेद को दूर करने की कोशिश की गई, उसका फायदा भी हुआ। लेकिन बिहार में जमीनी हकीकत क्या है, जरा आज चुनाव के दौरान ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले इस छोटी सी झुग्गी झोपड़ी जो बस्ती है उस पर आप नजर डालिए। यहाँ पर करीब 10-15 परिवार रहते हैं, 10-15 परिवार रहते हैं, और वो इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। किस हाल में रहते हैं आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन पहले उस दीवार पे नजर डालिए। ये जो लाल दीवार आप देख रहे हैं ना, वो नगर निगम की दीवार है, और नगर निगम की दीवार के ठीक सामने, ठीक सटा हुआ ये पूरा इलाका है, ये झुग्गी झोपड़ी है जहाँ पर ये दलित परिवार रहते हैं। ये दलित परिवार, जब भी ये नाम आता है तमाम तरह की धारणाएं आपके मन में बनती हैं, तमाम तरह की सियासी जोड़ तोड़ किए जाते हैं। पार्टियां बात करती हैं दलितों की, वोट मांगती हैं, लेकिन वोट बैंक के अलावा इन दलितों को पार्टियों ने कोई तवज्जो नहीं दी, किसी भी पार्टी ने इनके लिए कुछ नहीं किया, और यही वजह है कि आज इस हालात में आज ये परिवार तमाम रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे कई इलाके हैं बिहार में जहां पर आपको इस तरह से दलित परिवार मिल जाएंगे और वो बदहाली की स्थिति में मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये जगह दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि आरा शहर के बीचों बीच ये जगह है, नगर निगम की बिल्डिंग के ठीक सामने। आइए हम जरा आपको दिखाते हैं। देखिए, किसी की निजी जिंदगी में झांकना ठीक नहीं होता, लेकिन अगर निजी जिंदगी के नाम की कोई चीज ही ना हो, अगर निजी जिंदगी, निजता के नाम की कोई चीज ना हो, सब कुछ सड़क पर पसरा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे। और यहाँ पर वही हो रहा है। इन परिवारों को देख करके सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम एहतियात, जो ताना बाना आपके दिमाग में होगा, सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि इन छोटे छोटे कमरों में पूरा परिवार रहता है। छोटे छोटे कमरों में पूरा परिवार रहता है जिसमें 4-5 बच्चे हैं, मियां बीवी हैं, माँ बाप हैं। एक चूल्हा आप देखिए, एक चूल्हा है, और इस एक चूल्हे से यहाँ पर 3-4 परिवार खाना बनाते हैं, बारी बारी से खाना बनाते हैं, इंतजार करते हैं कि एक परिवार का खाना बन जाता है, फिर दूसरे लोग यहाँ पर खाना बनाना शुरू करते हैं। इस स्थिति में ये लोग हैं, और किस हाल में रह रहे हैं जरा मैं आपको दिखाती हूँ। कि तमाम जो इंदिरा आवास और अलग अलग तरह की योजनाओं की बात होती है, उनकी हकीकत क्या है, ये आपको इन जगहों पर आकर, इन झुग्गी झोपड़ियों में आकर के पता चलेगा। आप देखिए, एक जगह पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है, यहाँ पर सब्जी काटी जाती है, यहाँ पर कई बार खाना भी बना लिया जाता है। छोटा मोटा किचन जो है यहाँ पर इन लोगों ने बना रखा है, कपड़े रखे हुए हैं, बक्सा यहाँ रखा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, साइकिल यहाँ पड़ी हुई है, यहीं पर बेड है, यहीं पर बिस्तर है, और इस बिस्तर पर तमाम जो बच्चे हैं
और जो मियां बीवी हैं वो भी यहाँ रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि बरसात में पानी भर जाता है। सुनिए देखिए, बरसात में पानी हो जा रहा है ना तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। चौकी रहता है तो उससे पे सोना है, उससे पे खाना वाना सब बनाना है। बैठी जा खाना बनाओ, इतनी लेके ले कहाँ रही जा। कितने बच्चे हैं आप? तीन वो लड़की बड़ी सन, तीन लड़कियाँ हैं सब आप लोग? हाँ, यही पे एक में सूता खाना बनावा, एक में सब बर्तन सर्तन रखा, कैसे कैसे उनके रही जा परिवार बा, बूढ़ा भगवान बूढ़ी भाई। और बिहार में बदलाव की जो बात होती है, उस बदलाव का खोखलापन क्या है, ये हमने आपको आज कैमरे की नजर से दिखाया। की महा कवरेज लगातार जारी है, हजार किलोमीटर की यात्रा की झलकियां आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी आपको दिखाएंगे विजयादशमी के दिन। सवाल यही है, बदहाली का रावण बिहार में कितना जला है, जानने के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश। सूते घोड़ा बेच के सूते घोड़ा बेच के चुनी हनीमन सरकार, चुनी हनीमन सरकार, भैया बना ला आपन बिहार, हाई के मगही अपान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। फिर से एक बार स्वागत है आपका बिहार चुनाव पर। इंडिया न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है और हम आपको दिखा रहे हैं हजार किलोमीटर की यात्रा की झलकियां, क्योंकि जहां जहां हम गए, जहां जहां हमारा कैमरा पहुंचा, वहां पर लोगों ने हमसे दिल खोलकर बात की, अपनी समस्याएं बताई, जो काम हुआ है वो भी साझा किया और जो उम्मीदें टूटी है उसका भी दर्द उन्होंने बयां किया। इसीलिए महिलाओं का जिक्र आना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए सरकारें तमाम वादे करती हैं, मैनिफेस्टो में कई तरह के सपने दिखाए जाते हैं, शौचालय का सपना दिखाया जाता है, उज्ज्वला योजना की बात आपको बार बार सुनाई देती है, सुरक्षा की बात बार बार आती है कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित बिहार बनाकर देंगे। क्या ये हुआ है, ये जानने के लिए हम आरा के गांव में पहुंचे। वहां पर हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि पहले से कुछ सुधार तो जरूर आया है, लेकिन जिंदगी अभी वैसी नहीं हुई है जिसकी उम्मीद वो सरकारों से करती है। अभी भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। दिल खोल कर उन्होंने हमसे बात की, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साथ ये महिलाएं इस गांव में रहती हैं, इस गांव की वासी हैं, यहां पर काम करती हैं, घरों को संभालती हैं। जब इनके पति दूर दराज जाते हैं काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, ये उनका इंतजार भी करती हैं, और जब कोरोना में उनका रोजगार छूट जाता है तो अपने घर को किस तरीके से इन्होंने बहुत ही परेशानियों को झेलते हुए चलाया होगा, ये सब हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। जब इनके पति पैदल चलकर या साइकिल से सवार होकर, लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस से भी कुछ लोग वापस आए, जब इनके घर वाले इस तरीके से दूर दराज से वापस आए, इन पर क्या बीतती होगी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन त्रिभुवनी गाँव है ये, और यहाँ की एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सड़क नहीं है, गाँव से शहर तक जाने के लिए सड़क नहीं है। सबसे पहले आप इन खेतों के पार देखिए, इन खेतों को पार करते हुए और इन्हीं मिट्टी के रास्तों से चलते हुए इन महिलाओं को जाना पड़ता है, इन महिलाओं के परिवार वालों को जाना पड़ता है। और जब भी कोई इमरजेंसी की स्थिति आती है, जब किसी महिला की डिलीवरी होनी है या फिर किसी की तबीयत खराब हुई, इनके बच्चों की तबीयत खराब हुई, तो इन्हीं मिट्टी के रास्तों से चल करके इन्हें अस्पताल तक पहुंचना पड़ता है, शहर का रास्ता तय करना पड़ता है। अब आप समझिए कि पुरुष तो पुरुष, इन महिलाओं पर क्या बीतती होगी। और इसीलिए मैं शुरुआत करती हूं इनसे बातचीत करने की, खुलकर आप लोग अपनी समस्याओं को बताइएगा, क्योंकि जब अब से कुछ देर पहले आप लोगों से बात हो रही थी, आप लोगों ने बताया शौचालय की समस्या, गंदगी की समस्या, सड़क की समस्या, अस्पताल की समस्या। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं, आपका क्या नाम है और किस तरह की समस्याएं आपको यहां पर आती हैं, क्योंकि सरकारें तो कहती हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ किया है? हम सबको धन्यवाद प्रणाम करतनी, हमार नाम पूनम देवी है। हम देखिए जैसे रोड नहीं खे बनत और मैं कोनो आदमी के काम नहीं खे मिलत, सबको हमने के आदमी काम त बैठल बानी, ना रोड बा, ना बाथरूम बा, ना कोनो रोजगार बा, ना कोनो अथी बाटे। सब हम ये कह सकतनी कि ना रोड बा, ना एजा ना पैखाना बा, ना कोनो रास्ता बा, एजा ना कोनो आदमी के काम मिलता, सब आदमी भूखे मरतरन बैठल बा आदमी, यही से एकदम परेशानी रहल बाटे। तो इस तरह की परेशानियां पेश आ रही है इन महिलाओं को, और भी महिलाओं से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है और यहाँ की आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, यहाँ पर अस्पतालों की क्या स्थिति है, और महिलाओं को किस किस तरह की दिक्कत आती है? महिलाओं को दिक्कत है, पहले तो सड़क नहीं है,
गांव में शहर में जाने के लिए नली के नली नहीं है, बहुत गंदगी द्वार पर ले सगरी गंदगी हो जाता है। बच्चन के जाए के लिए सड़क रही तभी न कहीं बाजा शिक्षा के लिए बाहर में पढ़े जी हम सब इतना ठेहुन भर कीचड़ हेल के बच्चा लोग सड़क धरेला तब तो पढ़े जाला। डिलीवरी होता मात पर खटिया चढ़ा के जेंट्स लोग सड़क पर ले जाता लोग तब तो गाड़ी के कोनो साधन होता। यह बहुत समस्या बा मैडम, अब दोसर हम का कहें। अच्छा आप जानिए कि यहाँ पर इस विधानसभा सीट से बीजेपी आज तक नहीं जीती है, बीजेपी खाता खोलने की कोशिश कर रही है। आरजेडी यहाँ से पिछले दो विधानसभा चुनाव जीत चुकी है, इससे पहले जेडीयू थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी जीतती थी, लेकिन पार्टियां कोई भी रहे, सवाल ये है कि आपको हुआ क्या है यहाँ के लोगों के लिए। बिहार भ्रमण करते हुए इंडिया न्यूज की टीम भगवान बुद्ध की धरती गया भी पहुंची और गया में नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिला। हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने गया में कुछ लोगों से चाय पर चर्चा की, क्या कहा गया वासियों ने सुनिए। तो मशहूर चाय दुकान है, यहाँ पर लोग सुबह यहाँ पर पहुंचते हैं और राजनीति चर्चा शुरू हो जाती है। जहाँ तक गया विधानसभा क्षेत्र की बात है, यहाँ से डॉक्टर प्रेम कुमार 8वीं बार विधानसभा पहुँचने के जुगत में हैं। उनके सामने महागठबंधन यानी कांग्रेस उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार के प्रति थोड़ी सी नाराजगी है और इसीलिए जो उनके समर्थक भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि यहाँ से सीट जो है थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन निकल जाएगी। रही बात इमामगंज की, इमामगंज में जो मुकाबला है वो काफ़ी रोचक है क्योंकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आरजेडी के टिकट से किस्मत आजमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वहाँ पर दो तरफे मुकाबला में फंसे हुए हैं। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है वहाँ पर दोनों के बीच फाइट है, यहाँ पर कहना आसान नहीं होगा कौन बाजी मार ले जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए गया अब तो आप मानसिक रूप से तैयार हो गए होंगे, यहाँ पर मुद्दा क्या है? भैया हम इस मामले में कुछ नहीं बोले। नहीं, मुद्दा क्या है यहाँ पर? यहाँ मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है, आप बताइए यहाँ पर विकास हुआ है? विकास तो कुछ हुआ है। आप बताइए यहाँ गया शहर में 35 सालों में आज तक पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है, जिसको लेकर किसी भी मोहल्ले में ज्यादातर मोहल्ले में आज तक पानी नहीं पहुँचा है, नल पहुँचा है तो जल नहीं पहुँचा है। ये लोग हैं, आप बताइए भाई साहब क्या है यहाँ? एनडीए। क्या यहाँ पर क्या NDA. क्या चल रहा है यहाँ पर? चुनाव का आप कल प्रचार का आखिरी दिन है, ठीक ही चल रहा है? ठीक चल रहा है चाचा? बिहार का विकास हुआ कि नहीं हुआ, हमको देश का विकास देखना है और देश का विकास बहुत स्पीड में हो रहा है। और हम आप सभी पक्षों का सुनिए, जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कई अहम मुद्दे हैं, किनका कहना है कि नल जल योजना की बात किन्हीं का। एक चीज बताइए, 15 साल वाला ही चेहरा वाला ही चाहिए या कोई नया चेहरा चाहिए? अभी नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा चाहिए, आप बताइए 15 साल वाला चेहरा चाहिए या नया? देखिए 15 साल की बात नहीं है, यहाँ पे 15 साल पहले भी देखा गया और 15 साल फिर से हुआ, तो आपको बार बार चेक नहीं करते रहेंगे आप, एक वैकेंसी को लेकर के 7-8 साल खींचते रहते हैं, तो इस तरह से कैसे होगा काम? आप बताइए 15 साल का चेहरा, 15 साल वाले चाहिए या नया चेहरा? मेरे पास तो नया चेहरा आना चाहिए, प्लस में रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान जी हैं, अगर उनका यहाँ से रहता सीट वगैरह तो हम उसी को वोट देते। आप बताइए क्या है? लोगों भी नया चेहरा चाहिए, 15 साल वाला नहीं चाहिए, नया चेहरा चाहिए। तो ये तो आपने गया के इमामगंज से लोगों की राय सुनी, लोग क्या सोचते हैं उन्होंने इंडिया न्यूज के कैमरे पर खुलकर बताया। लेकिन गया विधानसभा सीट से 7 बार बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार, उनसे भी बात की हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने, सुनिए जरा। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है और हमारे साथ गया विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर प्रेम कुमार हैं जो कि 8वीं बार विधानसभा पहुंचने की जुगत में हैं। आप जो हैं पार्क में पहुंचे हैं लोगों से जन समर्थन के लिए? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जनता चाहती है बिहार में शांति का राज हो, बिहार का विकास हो। हम लोगों ने विगत 15 वर्षों में
बिहार को बदला है, बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने का काम किया है, बिहार को विकास की गति देने का काम किया है और जनता को विकास पसंद है जाकर के, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है बिहार के सरकार को और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो दोनों सरकार मिलकर के राज्य के सर्वांगीण विकास में लगे हुए हैं। उसका एक अच्छा संदेश लोगों में है और जनता चाहती है कि आज बिजली 24 घंटा मिल रहा है, सड़कें चकाचक हो गई है, उनके ज़माने में लालटेन युग था जाकर के, अभी LED का युग आ गया है, 24 घंटे बिजली हम शहर में दे रहे हैं, गाँव में 22 घंटा बिजली दे रहे हैं, और साथ साथ वहाँ उनके राज्य में गड्ढे हुआ करते थे और आज सड़कें चमाचम जा करके, आज यात्रा आसान हो गया लोगों का जा करके। तो कुल मिलाकर जनता को विकास पसंद है, कानून का राज है, अपराधियों को हिम्मत नहीं हो रही है। तो उनके ज़माने में अपराधी राइफल निकाल कर घूमते थे, उनके समय में इंडस्ट्री बंद हो गया था, पलायन हो गया था। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद जो है नीतीश चाचा चले जाएंगे। वो सपना दिख रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। अभी कई चैनलों का सर्वे जो रिपोर्ट आया जा करके है, वो बता रहा है 161 आ रहा है, और चुनाव जिस नज़दीक आ रहा है तो 200 का पार हम होंगे, हमारी ही सरकार बनेगी। देखा लोकसभा चुनाव में भी आपने 40-39 में विजय हुए थे अगर के। RJD का खासतौर पर तेजस्वी लगातार कर रहे हैं 10 लाख नौकरी की बात, क्या 10 लाख नौकरी? उनके ज़माने में 15 वर्षों के शासन में नौकरी छीनने का उन्होंने काम किया, नंबर एक। अब फौरन धोख पैदा किया, बिहार की इंडस्ट्री बंद हो गए, बिहार के लाखों लोग पलायन कर गए जाकर के, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया जाकर के। और उनके ज़माने में नौकरी पैसे पर मिलते थे, जमीन लिखवा लेते थे, जमीन लिखवा के नौकरी देते थे जाकर के, इसका सारा उदाहरण प्रमाण जाकर के है। और उनके ज़माने में अपहरण उद्योग शुरू हो गया था, इंडस्ट्री बंद हो गए थे, कानून का राज खत्म हो गया था, जंगल राज आ गया था। तो जनता को पसंद है शांति, अब हम आए सरकार में आएंगे तो राम राज लाएंगे जाकर के। LJP कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है? कोई चुनौती नहीं जाकर के, इसलिए कि जनता सब बातों को जान रही है कि LJP हमारे गठबंधन में है नहीं, हमारे गठबंधन में JDU है जाकर के, हमारे गठबंधन भाजपा, JDU, हम और VIP पार्टी जाकर के। बिहार की सियासत में कुछ वक्त से जीतन राम मांझी की बात आप बार सुन रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जो कि NDA की घटक है, उनसे भी बात की हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने, और जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को अनुभवहीन बताया, इसके साथ ही NDA की जीत का दावा किया है। सुनिए आप। और पहले चरण का प्रचार कल थम जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं। मांझी साहब, यहाँ पर मुद्दा क्या है? बिहार का मुद्दा तो ऑलवेज विकास रहा है, विकास, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर के ही हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात है नेतृत्व भी, तो नेतृत्व जो हमारे NDA का अभी है, राज्य में नीतीश कुमार का और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का, तो उस नेतृत्व के सामने विपक्ष का कोई नेतृत्व नहीं है, अनुभव भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग जनता को समझाने का प्रयास करते हैं कि अनुभव वाले नेता को ही चुनिए जिसने अच्छा काम किया है, और कुछ काम बचे भी हैं वो काम हो जाएगा 20 से 25 के बीच में। इस पर जनता काफ़ी उत्साहित होती है और NDA के पक्ष में मतदान करने को हम समझते हैं कि सभी मतदाता तैयार हैं। लेकिन मांझी साहब, आप पहले अगर बात करें चुनाव से पहले महागठबंधन के साथ ही, आखिरकार क्या वजह रही कि आप NDA में शामिल? देखिए, जमहूरियत है, जनतंत्र है, जनतंत्र में एक की बात नहीं चलनी चाहिए, सब की बात होनी चाहिए। वहाँ एक की चल रही थी, आप सुन भी तो लीजिए, त्रुटि तो बीच में आप लोग करते हैं, सारा चीज़ का हम जवाब दे देंगे। और आपने देखा कि वहाँ जितनी गड़बड़ियाँ थी उस गड़बड़ी को हम नहीं उजागर किया, लेकिन स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने तो उजागर किया,
कि क्या वहाँ क्राइटेरिया है, तो वैसी परिस्थिति में हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग किया कि सब मिल बैठ करके हम लोग तय करें। 6 महीना समय दिया गया, 6 महीना समय बात करने के बजाय कहा गया कि हम जो निर्णय लिया वो ठीक है और जिसको इस निर्णय को मानना है वो माने रहे और नहीं तो बाहर का रास्ता देखे। हजारों किलोमीटर की यात्रा के दौरान इंडिया न्यूज की टीम औरंगाबाद भी पहुंची और औरंगाबाद में हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने बात की एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से। क्या कहा चिराग ने, सुनिए। पासवान एक मिशन पर निकले हुए हैं और बिहार चुनाव में उनका मिशन क्या है हम सीधे उनके जुबानी जानेंगे। चिराग, लगातार सुबह से आप निकले हुए हैं, मिशन क्या है? मिशन बिहार को विकास की राह पर लेकर जाना और उस मिशन की प्राप्ति में सबसे बड़ा जो अड़ंगा है, जो सबसे बड़ा जो रोड़ा है, जो बिहार को विकसित नहीं होने देना चाहता, वो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो सबसे पहले उन्हें सत्ता से हटाना और उसके बाद एक विकसित सरकार बनानी है। मेरी आवाज एकदम गई है? आवाज आप लगातार जो है लगे हुए हैं अपने मिशन पर। जी बिल्कुल, पूरी तरह से मिशन पे लगा हुआ हूँ और मुख्यमंत्री जी को सत्ता से बेदखल करके ही रहेंगे और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिस विजन के साथ मैं मेरी पार्टी आगे आई है उसको लागू कराने का काम करेंगे। अच्छा, पार्टी का विजन क्या है? क्या आपने ऐसे अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, लेकिन विजन शॉर्ट एंड शार्प में क्या कहेंगे? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इस विजन के साथ हम लोग उतरे हैं और उसमें मेरा लक्ष्य है कि बिहार में जितने युवा हैं जो आज की तारीख में जिनको बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए रोजगार के लिए, वो पलायन रुके, बिहार में ही इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो कि तमाम सुविधाएं हम लोगों को बिहार में मिल सके, उस दिशा में काम करना मेरी प्रार्थना। बिहार की जनता का इंतजार दशकों पुराना है और जो जनता वादों को पूरा होने का इंतजार कर रही है उसकी आवाज भी हमने आप तक पहुंचाई और जिन पर जिम्मेदारी है उन वादों को पूरा करने की उनकी बात भी हमने आप तक पहुंचाई। इसी तरीके से इंडिया न्यूज बिहार चुनाव के दौरान तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाता रहेगा। हजारों किलोमीटर की यात्रा अब तक हुई है, आगे भी हम सफर करते रहेंगे और इंडिया न्यूज के कैमरे के माध्यम से बिहार की हकीकत, बिहार का मूड आपको बताते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। सूते घोड़ा बेच के चुनी हनीमन सरकार, चुनी हनीमन सरकार, भैया बना ला आपन बिहार, खाई के मगही अपान, चल भैया देखे बिहार चुना।